अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आज आप दोस्तों को बताएंगे अगर आपकी बाइक की भी टैंकी ऊपर से ख़राब हो गई है, ऐसे आपका पेंट ख़राब हो गया, तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपकी ये टैंकी बिल्कुल यही नई हो जाएगी 0 मीटर, और सिर्फ आपका 100 रुपया खर्चा आएगा। ये तो आप आपको बताते हैं आपने क्या करना है। ये स्टिकर देख रहे हो, ये स्टिकर तकरीबन 80-90 रुपये का स्टिकर आएगा। ये किसी भी आपको दुकान से मिल जाएगा, स्पेयर पार्ट वाली दुकान से, और आपने ये ऊपर लगा देना है तो आपकी बाइक की टैंकी बिल्कुल 0 मीटर हो जाएगी। अब आपको लगाने का तरीका बताते हैं, आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना जी। तो ये आपके सामने है, ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। अब ये अभी लगाएंगे तो ये बिल्कुल नई हो जाएगी। ये देख रहे हो, ये निशान बिल्कुल ऊपर से पेंट ख़राब हो गया। अब इसको लगाते हैं और आपको दिखाते हैं जी। तो आपने सबसे पहले ये सेंटर वाला पीस लगाना है, सबसे पहले ये आपने उतार लेना है। ये देख रहे हो, ये बहुत आसान तरीका है, आप खुद आसानी के साथ लगा सकते हैं। आपने इसको बिल्कुल सेंटर में रख के ही इसको लगाना है। जी तो आपने इसको पहले सबसे पहले सीधा लगाना है, ये सेंटर में आए बिल्कुल। उसके बाद आपने थोड़ा सा आपने हाथ की मदद से लगाना है। फिर आपके पास एक अदर रंबी होनी चाहिए, अगर कोई गत्ता भी हो जाए कोई सख्त वो भी चल जाएगा। उसके साथ आपने ये सीधा इसको खींचना है और ये बिल्कुल आसानी के साथ आपका स्टिकर लग जाएगा। ये देख रहे हो रिज़ल्ट आपके सामने है, इसके ये नीचे निशान थे वो सब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं जी। तो आपने पीछे वाली साइड जो रंबी के साथ लगा लेनी है, आगे वाले जी आपने हाथ के साथ ही लगा लेना है इसको जी। तो दोस्तों ये देख रहे हो, ये सेंटर वाला पीस हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब ये इधर से निशान जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल नया हो गया। अब ये साइड वाला लगाएंगे, जो मर्ज़ी साइड में लगा दें वो कोई मसला नहीं, जिस साइड में मर्ज़ी लगा दें जी। तो ये हम ये साइड वाला उतार रहे हैं और ये लगाएँगे, ये देख रहे हो इस साइड में लगेगा। अब इसको आपने इसके बराबर ये पेमाइश कर लेनी है, इस तरीके से हल्का हल्का आपने हाथ जी। तो आपने ये रंबी के साथ लगाएंगे तो इसमें जो ये निशान वगैरह कम बनेंगे और हवा इसमें कम आएगी। आपने इस तरीके से हल्का हल्का रंबी के साथ आगे की तरफ लगा देना है जी। तो दोस्तों ये देख रहे हो हमारी ये दूसरी साइड भी क्लियर हो गई है। अब ये टैंकी बिल्कुल नहीं लगने लगी है, ये देख रहे हो, ये नीचे वाली साइड बिल्कुल साफ़ थी, ऊपर ये इसका बिल्कुल पेंट ख़राब था। अब ये बिल्कुल, अब ये साइड रह गई, इधर जब लगेगी तो बिल्कुल इसकी जो ऊपर से ये पेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। तो दोस्तों अब ये तीसरा पीस लगाते हैं, ये उतारते हैं और ये आपने बिल्कुल बराबर रख के लगाना है। ये देख रहे हो इसके ऊपर ये लिखाई होती है, आपने सबसे पहले ये लिखाई वाली साइड सीधी करनी है। ये देख रहे हो इस तरीके से सीधा करके आपने जी। तो आपने लिखाई सीधी करने के बाद आपने ये रंबी के साथ फिर आपने टेप को लगाना है, इसके साथ बिल्कुल आसानी के साथ लग जाएगी और इसमें ये वाट वगैरह जो होते हैं वो भी नहीं आएंगे, इस तरीके से। अब ये पीछे वाली साइड लगाते हैं जी। तो दोस्तों ये देख रहे हो हमारा काम ये मुकम्मल फैलना हो गया है, टैंकी का रिज़ल्ट आपके सामने, ये बिल्कुल 0 मीटर हो गई है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।